Welcome, dear class. Here, Samreen. Today, we are going to start our new lecture. That is lecture number 11 from chapter number 7, FSC Part 1, Kingdom Protista. तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 7 और उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया है प्रोटोजोन की. हमने आगे जो है वो सब ग्रुप्स भी देखे थे, हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं. उन सब ग्रुप्स के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रोटोजोन का इंट्रोडक्शन और उसके अंदर आज हम स्पेसिफिक उसका सब ग्रुप पढ़ते हैं, जू फ्लैजिलेट्स. ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपके पास ये जू फ्लैजिलेट्स होते हैं, क्लासेस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं. इसमें ये आपके पास कि ये कम्बिनेशन दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है. ऐसे आपके पास प्रोटोजोन्स होंगे, ऐसे प्रोटिस्टा होंगे जो हैं तो एनिमल लाइक, लेकिन उसके अंदर भी क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेट्स. ठीक है, और दूसरा वो एनिमल लाइक है, बिल्कुल एनिमल्स की तरह उनके करेक्टर्स हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, इस ग्रुप को जू फ्लैजिलेट्स, यानी ऑर्गेनिज्म दैट बियर फ्लैजिला दैट आर लाइक टू एनिमल्स. एनिमल्स की तरह होते हैं, फ्लैजिला बियर करते हैं, फ्लैजिला उनके पास होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, जू फ्लैजिलेट्स. अब आ जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इस ग्रुप में क्या खसूसियात पाई जाती हैं क्लास. तो सबसे पहले इनके खसूसियात में हम देखते हैं कि इनका मस्कन क्या होता है, इनका हैबिटेट क्या है. तो हैबिटेट जब हम देखते हैं क्या चीज़ होती है, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. ठीक है, उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं. तो हैबिटेट के अंदर जब देखते हैं तो ये फ्री लिविंग भी हैं, यानी अकेले रहते हैं बिल्कुल. ठीक है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, अपनी ज़िंदगी आप गुजारते हैं. दूसरा सिम्बायोट्स होंगे कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, आइदर प्रोटेक्शन होगी उसकी सूरत में दूसरे ऑर्गेनिज्म का सहारा लेते हैं, या फिर इनको जो है वो खुराक चाहिए होती है उसके ज़रिए ये अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाते हैं. तीसरे नंबर पे जो आपके पास हैबिटेट के अंदर आता है वो ये है कि ये पैरासाइटिक होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो करते हैं लेकिन इन टर्न उसको क्या करते हैं, नुकसान दे के निकलते हैं. इनको भी डिपेंडेंस सही होती है, ये भी डिपेंड करते हैं, लेकिन उसके केस में क्या होगा कि ये नुकसान सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर नुकसान नहीं देते, फ़ायदा ही देंगे, और फ़ायदा भी नहीं देते तो फिर नुकसान भी नहीं देंगे. अब आते हैं क्लास दूसरा मेन कैरेक्टर ऑफ द जू फ्लैजिलेट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अंदर इनके अंदर क्या करेक्टर्स पाए जाते हैं, इनकी जो बॉडी है क्लास वो या तो स्फेरिकल होगी या इलोंगेटेड होगी. स्फेरिकल का मतलब बॉडी राउंड होगी या फिर थोड़ी सी पॉइंटेड होगी, जैसे ऐसे करके ये पॉइंट्स होंगे, दोनों साइड पे उसकी जो एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे. दूसरे नंबर पे आपके पास ये स्ट्रक्चर इनका यूनिसेलुलर भी है, यानी जो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं क्लास वो एक सेल पे बेस करते हैं, उनकी लाइफ जो है वो सिर्फ एक सेल पे बेस कर रही है, एक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, या यू कैन से वन सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे. फिर आ जाते हैं ये कॉलोनी भी बनाते हैं क्लास. कॉलोनी कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉलोनी हम डिफाइन करते हैं ये है कॉम्बिनेशन ऑफ या कमलेशन ऑफ सर्टन सेल्स, बट एवरी सेल डूइंग इट्स ओन वर्क. उसके अंदर जितने फंक्शंस हो रहे होते हैं वो अपने हर एक सेल अलग करता है, सिर्फ रहते कैसे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, इकट्ठे रहने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर सेल के अंदर जो इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ए सेल है जो इसके अंदर फंक्शन हो रहा है वो बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर अलग हो रहा है, यानी ए नॉट डिपेंड अपॉन बी, लेकिन रह इकट्ठे रहे हैं एक ही जगह पे कम्युलेट हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी क्लास. उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है जू फ्लैजिलेट्स की वो है न्यूट्रिशन के अंदर. न्यूट्रिशन हमने डिफाइन कैसे की थी, इनटेक एंड यूटिलाइज ऑफ फूड. एक प्रोसेस है जिसमें फूड इनटेक की जाए और फिर उस इनटेक फूड को जो आपने ले गए अंदर उसको डाइजेस्ट किया जाए और उसको अपने अंदर जो है वो यूटिलाइज किया जाए डिफरेंट मैकेनिज्म को चलाने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो जो जू फ्लैजिलेट्स हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उनके अंदर दो तरीके से वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं. कैसे, या तो वो इंजेस्ट करेंगे, इनटेक करेंगे, खा जाएंगे, ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी जज़्ब करेंगे क्लास. जज़्ब करना और इनटेक करने का मतलब ये है कि जैसे हम हैं ओरली, हम किसी चीज़ को अपनी माउथ कैविटी के ज़रिए जो है वो अपने मुँह में डालते हैं, इनटेक करते हैं, फिर उसको हम डाइजेस्ट करवाते हैं, दिस इज इंजेशन. ठीक है, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल जो आप बॉडी में लेके जाते हैं, लेकिन जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हो उसमें यह है खाना बाहर पड़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स बाहर पड़े हैं, उसको आप
बॉडी के जरिए एब्जॉर्ब करो, बाहर से ही उसकी बॉडी के अंदर मूव करना शुरू कर दे वो डाइजेस्टेड मटेरियल, तो उसको आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो जू फ्लैजिलेट्स हैं वो इंजेशन भी करते हैं ऑर्गेनिज्म की, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म है छोटे या फिर क्या है डेड ऑर्गेनिज्म है, उनको इनटेक भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो एब्जॉर्प्शन करते हैं जो डिकम्पोज्ड मटेरियल है, यानी जिसने डिकम्पोजर्स ने उन मटेरियल को बॉडीज को डिकम्पोज कर दिया है, तोड़ दिया है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज कर दिया है, तो उसको क्या होगा ये सिंपल जो मटेरियल होगा उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, नॉट इनटेक। इनटेक का मतलब यह है कि फूड मटेरियल आप बॉडी के अंदर लेके जाते हैं खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जो मटेरियल डाइजेस्टेड होता है उसको वो जज़ब करते हैं। क्लास ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अबाउट जो है वो आपके पास इंट्रोडक्शन था, अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में आते हैं। जू फ्लैजिलेट्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, सबसे पहले आपके पास ट्राइकोनिम्फस, पहली एग्जांपल ट्राइकोनिम्फस, देन ट्राइपैनोसोमा और कोइनोफ्लैजिलेट, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द सब ग्रुप जू फ्लैजिलेट्स। अब आ जाते हैं कि ट्राइकोनिम्फस के अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक्स या इसका जो इंडिविजुअल बनता है वो कैसे होगा। ट्राइकोनिम्फस के अंदर ये करेक्टर आता है कि इनके फ्लैजिला बहुत ज़्यादा होते हैं, हालांकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि फ्लैजिला जो होता है या वन होगा और टू होगा, स्मॉल इन नंबर होते हैं लेकिन थ्रेड बहुत लंबा होता है, और सीलिया में ये होता है नंबर ज़्यादा होता है थ्रेड छोटा होता है लेकिन पूरी बॉडी को सराउंड कर रहा होता है। इस केस में जो ट्राइकोनिम्फस है ये एक ऐसा जू फ्लैजिलेट है जिसके अंदर फ्लैजिला बहुत ज़्यादा है, ये सारे के सारे जो आपको ब्लू कलर में थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं ड्रॉ हुए हुए, ये सारे फ्लैजिला हैं इसकी बॉडी के। इसकी बॉडी इलॉन्गेटेड है, इलॉन्गेटेड बॉडी होने के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, यानी एसोसिएशन बना लेता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका होस्ट टर्माइट दीमक, दीमक की बॉडी के अंदर उसकी जो गट है उसके अंदर ये रहता है, और क्या करता है दीमक की जो फूड है वो है सेलुलोज, ड्राई सेलुलोज जो लकड़ी होती है उसकी, उसको खाता है दीमक, लेकिन दीमक खुद उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए टर्माइट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ट्राइकोनिम्फस पे जो उसकी गट के अंदर है, इसके अंदर वो एंजाइम होगा जिसको बोलते हैं सेलुलेज, जो वुड को, ये जो पीसेस आपको ब्लैक डॉट में दिखाए गए, इस वुड को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा टर्माइट को देगा वो न्यूट्रिशन जो वो चाहता है, और इस केस में क्या होगा ये टर्माइट की गट के अलावा किसी और जगह रह नहीं सकता, यानी इसकी लाइफ पॉसिबल कहाँ पे हो रही है टर्माइट की गट के अंदर, और टर्माइट इससे क्या फ़ायदा ले रहा है वो डेफिनेटली इन टर्न इससे वुड को डाइजेस्ट करवा रहा है। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है यानी ट्राइकोनिम्फस का सिम्बायट रिलेशनशिप है, और सिम्बायट रिलेशनशिप में दोनों को क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब आ जाते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ क्लास, और वो क्या है, वो है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा एक ऐसा जू फ्लैजिलेट है जिसने एक डिजीज काज करनी होती है स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसकी इसलिए बोला जाता है कि मोस्टली अफ्रीका के जो लोग थे जब ये स्टार्ट में ओरिजिनेट हुआ था तो ये एक डिजीज़ कर देता था कि वो डिजीनेस में रहते थे, मतलब जिसको आप बोलते हैं ना चक्कर आ जाना ये इस तरह, मतलब नींद की हालत में, इसलिए उसको बोलते हैं स्लीपिंग मोड। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो ट्राइपैनोसोमा थे ये किस में रहते हैं, ये किस तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, जैसे मलेरिया एक इंसान से दूसरे में जाता है क्लास विद द हेल्प ऑफ मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो जाता है, मॉस्कीटो बाइट करेगा और वो अपने साथ ले जाता है, फिर उसकी वहाँ पे उसकी गट के अंदर रिप्रोडक्शन होती है और फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हेल्दी होता है। सेम केस है ट्राइपैनोसोमा के साथ, ये भी ऐसे ये ब्लड के अंदर शामिल होता है, डिजीज पर्सन को जब एक फ्लाई जो कि आपके पास टेटसी फ्लाई है, टेटसी इसलिए एस साइलेंट है, टेटसी ये ऐसी फ्लाई है जिसने अगर किसी ह्यूमन को, डिजीज्ड ह्यूमन को या इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया है तो ये अपने साथ ब्लड के साथ वो ले आती है, नेक्स्ट टाइम किसी और ऑर्गेनिज्म को बाइट करेगी तो ये ट्राइपैनोसोमा उसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर देती है,
जैसे ही वो ब्लड को सक करती है। तो क्या होगा क्लास, जैसे ही ब्लड में जाता है ना तो ये डिवाइड करना शुरू हो जाता है, तो ह्यूमन बीइंग इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है ट्राइपैनोसोमा का, और उसको जाके जो है उसके ब्लड में शामिल होगा, डिवाइड होगा और उसके अंदर डिजीज काज करेगा। इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक नेचर। पैरासाइट क्यों है, क्योंकि इंटर्न क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को नुकसान देगा उसके सेल्स को डाई करवा के, और जो आपके पास रिटर्न में उसको नुकसान दे रहा है खुद तो फ़ायदा ले रहा है उसके सेल्स को और उसके मटेरियल को, उसके जो फ्लूइड है बॉडी का उसको यूज़ करके अपने आप को ये डिवाइड करवा रहा होता है। तो ये जो ज़ूफ्लैजिलेट है ट्राइपैनोसोमा, ये आपके पास पैरासाइट कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर थर्ड पे जो एग्जांपल आती है वो है कोइनोफ्लैजिलेट्स, और कोइनोफ्लैजिलेट्स के डायग्राम आपको आपने देख के ही आपने अंदाज़ा लगाया है कि ये कॉलोनी बना रहे हैं, डिफरेंट सेल्स हैं लेकिन एक कॉलोनी बना रहे हैं, इस कॉलोनी की वजह से ही इनको हम कॉलोनियल नेचर बोलते हैं। इनके अंदर ये आराम से अलग नहीं रह सकते, मूव नहीं कर सकते, ये ससाइल होते हैं, फिक्स होते हैं। ये एक स्टाक आपको नज़र आ रही है, इस स्टाक के ज़रिए ये अपने किसी सब्सट्रेट के साथ ये बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर ये स्टैंड करते हैं। दूसरा, ये फ्रेश वाटर होते हैं क्लास। तीसरे नंबर पे इनके करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले बता दिया, कॉलोनी बनाते हैं, ढेर सारे सेल्स इकट्ठे रहते हैं। इनको जो नाम दिया गया कोइनोफ्लैजिलेट्स का, वो इसलिए क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं उसके कॉलर होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, कॉलर लाइक सेल्स होते हैं इसके सारे के सारे, इसलिए इनको बोला गया क्वेनो, ठीक है। और फ्लैजिलेट्स इसलिए बोला गया क्योंकि इसके हर सेल के अंदर से क्या निकल रहा होता है, फ्लैजिला, इसलिए क्या करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फिर इनटेक कैसे करेंगे फूड, जब ये ससाइल हैं तो कैसे, जैसे जो फ्लो होता है ना वाटर का, इस तरह के इस डायरेक्शन में अपने आप को फिक्स करते हैं कि फ्लो जो वाटर को हो रहा है वो इनको पास होके गुजरे। पानी इनकी बॉडी के अंदर से जैसे ही निकल अंदर जाता है ये उसके अंदर से फूड इनटेक कर लेते हैं। ये फ्लैजिला होता है जिसके ज़रिए ये कोई पार्टिकल अगर फूड का पास हो रहा है तो ये इस फ्लैजिला ये मूव करवा के उसकी बॉडी की तरफ ले जाता है। तो फिक्स होने के बावजूद, ससाइल होने के बावजूद ये अपनी आप की न्यूट्रिशन भी मेंटेन कर लेते हैं और अपनी लाइफ भी पॉसिबल कर लेते हैं। क्लासेस के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे जो है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक सब ग्रुप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।